सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खास खबरां ते। राहुल गांधी नूं गुजरात हाई कोर्ट तो वड्डा झटका। अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सज़ा बहाल रखदिआं मुड़ विचार पटीशन की रद्द। भाजपा ने अदालत के फैसले का किया स्वागत। राहुल गांधी की पटीशन रद्द होने ते कांग्रेस नाराज। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने फूकिया प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। वड़िंग ने कहा देश के लोकतंत्र च अज मंदभागा दिन। पंजाब अंदर टोल प्लाजिया ते जारी है सियासत। वड़िंग ने कहा कांग्रेस की सरकार वेले पंजाब च कोई टोल प्लाजा नहीं लग्या। सीएम मान नूं कुराली टोल प्लाजा बंद करन दी दित्ती चुनौती। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का वड्डा दावा। बलबीर सिंह ने कहा भाजपा के कई लीडर आम आदमी पार्टी च शामिल होना चाहते हैं पर असी पहला उन्हां दी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अते लुधियाणा के जनकपुरी इलाके च इक्को परिवार के 3 जीआं दीआं लाशां मिलण नाल फैली दहशत। घर अंदर फैली सी गैस की बदबू। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। ते हुण खबरां दा विस्थार। मोदी सरनेम नाल जुड़े मानहानि मामले च कांग्रेसी आगू राहुल गांधी नूं गुजरात हाई कोर्ट तों वड्डा झटका लगा है। राहुल गांधी की मुड़ विचार पटीशन रद्द कर दिती गई है। लोक सभा चोणां 2019 तो पहला राहुल गांधी ने मोदी सरनेम ते बयान दिता सी। सूरत अदालत ने राहुल गांधी नूं दोषी ठहराउंदिआं 2 साल की सज़ा सुनाई सी। इस तों बाद राहुल गांधी की संसद की मैंबरशिप रद्द कर दिती गई। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि हेठली अदालत का हुक्म बिल्कुल सही है, उस विच दखल देने की कोई लोड़ नहीं है, इसलिए अर्जी खारज की जाती है। हाई कोर्ट के फैसले तो बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी नूं इंसाफ नहीं मिलिया, यह लोकतंत्र का कतल है। उत्थे ही राहुल गांधी खिलाफ केस करने वाले बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने कहा है कि हर किसी नूं अदालत का हुक्म मनना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी दी मोदी सरनेम टिप्पणी नूं लेके अपराधिक मानहानि दे मामले विच दोषी ठहराए जाण ते रोक लगाउण दी मंग वाली पटीशन नूं खारिज कर दिया। दस दई कि राहुल गांधी दी 2 साल दी सज़ा बरकरार रहेगी अते उन्हां दी संसद मैंबरशिप भी वापस नहीं आवेगी। उत्थे इस मामले नूं लेके बीजेपी दे विधायक पुरनेश मोदी, जिन्हां ने राहुल गांधी दे खिलाफ इह केस दर्ज करवाया सी, उन्हां दे वकील हर्षित टोलिया ने की जानकारी सांझी कीती है, आओ जानते हां। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट केस सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर की जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुआ। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले थे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बहुत ही बदकिस्मती है कि न्याय नहीं मिला, यह लोकतंत्र की हत्या है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जस्टिस हैज नॉट बीन प्रिवेल्ड। इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। But still, the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahul ji. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block him from the parliament. They want him to unnecessary create for his speech, which is nowhere heard. I still feel that he will grow more stronger. Whatever they do, the people of this country will stand by him, and we are with him. ਉਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੀ ਹੈ।
दस दिए कि राहुल गांधी नूं सूरत दी अदालत ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले विच 2 साल की सजा सुनाई सी अते बाद दे विच सजा ते रोक लगाउण दी पटीशन भी खारिज कर दिती सी। इस फैसले तो बाद राहुल गांधी की संसद मैंबरशिप भी रद्द कर दिती गई सी अते उन्हां नूं अपना सरकारी बंगला खाली करना पिया सी। सूरत अदालत दे इस फैसले खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती सी, जिस ते अज फैसला सुनाउंदे हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी दी रिव्यू पटीशन खारिज कर दिती है ते कहा है कि राहुल गांधी खिलाफ लगभग 10 अपराधिक मामले पेंडिंग ने। राहुल गांधी दी रिव्यू पटीशन रद्द होने ते कांग्रेस च रोस पाया जा रहा है। पार्टी वर्करां वल्लों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं ते मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसे तहत पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की अगवाई हेठ पटियाला विखे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकया गया ते नारेबाजी की गई। इस दौरान राजा वड़िंग ने कहा कि देश के लोकतंत्र च अज बहुत ही मंदभागा फैसला होया है, सारी दुनिया इस गल ते चिंतित है। वड़िंग मुताबक मानहानि केस विच पहली बार किसी नूं 2 साल की सजा हुई है। तस्वीरां पटियाला दियां ने जिथे पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दी अगवाई हेठ कांग्रेसी वर्करां वल्लों देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा पुतला फूकिया गया अते केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी कीती गई। दरअसल मामला कुछ इस तरीके दा है कि अज गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी टिप्पणी सरनेम मामले नूं लेके कांग्रेसी नेता राहुल गांधी दी रिव्यू पटीशन रद्द कर दिती है, जिस तों बाद रोस विच आए कांग्रेसी वर्करां वल्लों केंद्र दी मोदी सरकार खिलाफ अपना रोस जाहिर कीता जा रहा है। मैं समझदा कि बहुत ही अज मदभागा फैसला देश के इस लोकतंत्र और होया है। अज का दिन इतिहास के दर्ज हो जाएगा। मैं समझदा कि बहुत ही काला दिन है, क्योंकि लोकतंत्र के इस देश विच जिथे भारत दियां पूरी दुनिया च गल्लां हुंदी है डेमोक्रेसी दियां, अज उहदा दोबारा फिर कतल होया। और जिस प्रकार का फैसला आया कि किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिता गया, सानू तो पूरन जिहड़ा मान सीगा मानजोग अदालत ते कि सानू हाई कोर्ट दे विच जाके राहत मिलेगी। राहुल गांधी नू जिस तरह 2 साल की सजा हुई है, सारी दुनिया से सारा लोग इस गल दे चिंतित हन कि डिफेमेशन केस पहली बारी किसी व्यक्ति 2 साल की सजा हुई है, और 2 साल की सजा होने के बाद किसी प्रकार की कोई राहत जी है हजे राहुल गांधी जी नहीं मिली। अज भी असं उम्मीद करते हैं कि शायद मानजोग अदालत सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश करेगी। सानू पूरा यकीन है और पूरन विश्वास है कि सानू सुप्रीम कोर्ट दे विच राहत मिलेगी। ये राहुल गांधी जी दे नाल नहीं खड़े, राहुल गांधी जी दे नाल तां असीं पार्टी दे वफादार सिपाही हाँ, लेकिन देश दे कॉन्स्टिट्यूशन नूं बचाउण वास्ते ते देश दे लोकतंत्र दी लड़ाई लड़न वास्ते अज समुचे अज साथी इत्थे आए हैं, और असीं अंतिम समय तक ये लड़ाई लड़ांगे। और जिहड़े साडे हक है हकां दा इस्तेमाल करदे होए राहुल गांधी जी आने वाले समय सुप्रीम कोर्ट जाणगे, और सानू पूरन उम्मीद है कि उत्थों राहत मिलेगी। ते नहीं तो आने वाले समय से असी जेल जाण तों नहीं डरदे कि असी जेल भरो अंदोलन करांगे। ते अज मैं करड़े शब्दां दे नाल अज दे इस मदभागी फैसले की निंदा करदा हाँ, और असी सारे साथी राहुल गांधी दे नाल चटांग वांग खड़े हां। दसनयोग है कि बीते कुछ महीने पहला सूरत दी अदालत ने मोदी टिप्पणी मानहानि केस दे विच वड्डा फैसला लेंदे हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी नूं 2 साल दी सजा सुनाई सी, जिस तों बाद राहुल गांधी दी लोकसभा मेंबरशिप भी रद्द कर दिती गई अते उन्हां नूं सरकारी बंगला भी खाली करना पिया सी। अते सूरत अदालत दे इस फैसले नूं चुनौती दिंदे हुए राहुल गांधी ने गुजरात दी हाई कोर्ट विच इक रिव्यू पटीशन दाखिल कीती, पर अज अदालत ने इस मामले दे विच फैसला लेंदे हुए राहुल गांधी दी रिव्यू पटीशन खारिज कर दी है। पंजाब च इस वेले टोल प्लाज़ियां ते सियासत भखी हुई है। सीएम भगवंत मान वालों टोल प्लाज़ियां की म्याद वधाउण लई पिछलियां सरकारां नूं जिम्मेवार दसण ते विरोधी नाराज ने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सीएम मान वालों लगाए जा रहे इल्जामों का जवाब दिता है। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब च कांग्रेस की सरकार वेले कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं लग्या सी ते ना ही किसी टोल प्लाज़े की म्याद वधाई गई सी।
ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੋ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਆਇਆ RTI ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਤੇਈਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨੋਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ BJP ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਾਓ ਬੰਦ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ BJP ਦਾ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ BJP ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, 2000 ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਡਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡਸ਼ੀਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-7 ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੇਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RMOs ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਔਰ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 60-70-80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਹਾਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ OPD ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ MOU ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ IPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ के साथ लड़ने की, जिसका गांव में डॉक्टर साहब नाम भी नहीं लेते, लोग इतना खतरनाक माना जाता है कि उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेते। ये कह दिया जाता है कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। कभी TB के बारे में ये कहा जाता था, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है, अब कैंसर के बारे में ये कहा जाता है। और ख़ासतौर पर मालवा बेल्ट में, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेपेटाइटिस सी से लेके बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते, वो इसीलिए डर के टेस्ट नहीं करवाते कि अगर डायग्नोस हो गया कुछ फिर कहाँ जाएंगे। तो जब संगरूर में 2015 में होमी भाबा सेंटर आया था, तब मैं MP था संगरूर से, तो प्राइम मिनिस्टर लीफ फंड से बहुत से कैंसर के पेशेंट को हम रिकमेंड करते थे वहाँ।
तो वहां पे अभी 125 बेडेड हो गया संगरूर, और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, छोटा सा शहर है जैसा कि डॉक्टर शीश ने बताया, रूरल एरिया है, और बहुत से लोग वहां पे आके ठीक होके चले गए, बहुत से हर रोज आते हैं। इस काम के लिए हम कभी भी फंडिंग में कभी हम कोई जो है हाथ तंग नहीं रहता हमारा गवर्नमेंट का देने के लिए। हमने 42 करोड़ रुपया है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ संगरूर का जो हमने दिया है, नई मशीन्स आई हैं, और 2 करोड़ रुपया एनुअली हम संगरूर वाले कैंपस को, वो अलग से है मेडिसिन और अदर सपोर्ट के लिए, वो भी करते हैं, और बाकी सब पेट सीटी, एसपीई सीटी स्कैन, इनके लिए हमने 34 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली अलग से हम उसको रखा मेडिकल, क्योंकि हमारे मंत्री साहब खुद डॉक्टर हैं, तो जो इनकी रिकमेंडेशन होती है, लेटेस्ट मशीनें आती हैं हर रोज, साइंस अपने आप को चेंज करती है, साइंस अपने आप को अपडेट करती है, लोगों की हेल्थ के लिए हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस मामले में। नाली मुख्यमंत्री मान ने ये भी स्पष्ट कर दिता है कि कैंसर नाल नजिठण दे लई असी सरकार वालों फंडा दी कमी नहीं आउण दिते। हुण भी संगरूर वाली होमी भाभा सेंटर लई सरकार फंड जारी करती है। लुधियाणा दे जनकपुरी इलाके च उस वेले दहशत दा माहौल पैदा हो गया जदों इक्को परिवार दे 3 बजुर्गां दीआं शक्की हालातां च लाशां मिलियां। मृतकां दे नाम बचन कौर, सुरेंद्र कौर अते चमन लाल दसे जा रहे ने। घटना का पता उस वेले चलिया जद अज सवेरे दुध वाला घर दुध देने लई आया। दुध वाले ने जदों गेट खड़काया तो किसी ने गेट नहीं खोलिया। इस तो बाद दुध वाले ने गवांडियां नूं इकट्ठे किया ते दस्या कि ये लोग 2-3 दिनों तो दरवाजा नहीं खोल रहे। इस तो बाद पुलिस नूं सूचना दी गई, मौके पर पुजी पुलिस ने जदों अंदर जाके देखा तो 3 जीआं दीआं लाशां पईआं सन। घर अंदरों गैस की बदबू भी आ रही सी। पुलिस ने इस घटना की जांच आरंभ दी है। लुधियाणा दे सलेम टाबरी दे जनकपुरी इलाके विच उस वेले दहशत दा माहौल पैदा हो गया जदों इक्को परिवार दे 3 जीआं दा कतल कर दिता गया। मिली जानकारी मुताबिक मृतकां दे विच पति पत्नी अते मां शामिल ने जिन्हां दा इह कतल कीता गया। जानकारी मुताबिक अज सवेरे जदों दुध वाला घर दुध देण लई आया तां इस गल दा पता लग्या। इस संबंधी मीडिया नाल गलबात करदे हुए ज्वाइंट कमिश्नर सोमिया मिश्रा ने कहा कि इलाका निवासियों वालों इस बाबत सूचना दी गई थी, जिस तो बाद मौके पे पुलिस विभाग की टीम ने पहुंच के घर विचों 3 डेड बॉडियां बरामद कीतियां ने। सानू खबर मिली सी कि जिहड़ा लुधियाना सिटी दे विच सलीम टावरी एरिया है उहदे विच न्यू जनकपुरी दे विच एक घर दे विचकार 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई है, तो इमीजिएटली पुलिस ने रिस्पोंड करके सारे इत्थे ही आए हैं। ये पाया गया है कि इत्थे घर दे बंद घर बंद सीगा, ते सुबह दूध वाले आए सी कि उन्हें जब नॉक किया किसी ने खोला नहीं, फिर मोहल्ले वाले ने मिलके जिहड़ा मेन गेट है उन्हों खोला ते पाया गया कि अंदर 3 डेड बॉडीज पई है। जिहड़े तीनों बंदे हैगे वो तीनों सीनियर सिटीजन है, तीनों की उम्र 60 साल के उपर है, और कोई हुण प्राइमा फेसी जिहड़ा मुंडले तौर पर कोई भी लूट खोक की नहीं पता चल रही, पर असी वेरीफाई कर रहे हैं तो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्दी उन्होंने फड़ांगे। देखिए ये तो बहुत क्राउडेड एरिया है तो काफ़ी गली के विचकार हैगा, है ना, तो वी आर वेरीफाइंग, असी सारी टीमें साड़ी भी डिवाइड हो चुकी हैं, जिहड़े भी सीसीटीवी कैमराज वगैरह या अन्य कोई भी किसी ने कुछ भी ऐसा देखा हो जिहड़ा नॉर्मल तो बाहर हो, वो सारा कुछ साड़ी टीम्स असी वेरीफाई ऑलरेडी कर रहे हैं। असी इन्हां दे रिलेटिव ही दस रहे हैं कि इन्हां दे जिहड़े 4 बच्चे हैगे वह बाहर है, वह विलायत दे हैगे, बाकी जेडे बंदी दी डेथ भी हुई है उन्हां दी भी 70+ उम्र है, उन्हां दी भी है ना, ते उन्हां दी वाइफ ते उन्हां दी माँ दी डेथ हुई है जी। एदे विच जिन्हां दी डेथ हुई है तीनों सीनियर सिटीजन है, 2 लेडीज हैं ते एक वो है मैन है। और मेरे ख्याल है कि इस इलाके दी बहुत ही पुराने बछिंदे जिन्हों आप कह लीए कि माता जी बाऊ चमन लाल जी उन्हां दे वाइफ उन्हां दे बेटे बाहर ने, और बहुत ही पुरानी जिहड़ी रहायश है सलेम टावरी दे, जिन्हों कह दीए कि पुराने घरां दे विचों इक घर है। और अज मैनू भी सवेरे फोन आया इन्हां दे पड़ोसियां दा कि इस तरह चमन लाल अंकल और जिहड़े उन्हां दे माता जी और उन्हां दे वाइफ है वह तीनों बॉडियां अंदर पईआं, तां फिर आ के मैं पुलिस नूं SHO साहब नूं इनफॉर्मेशन दित्ती। दुध वाला कल भी आया सी, कल वह आ के पड़ोसियां दे दुध पा गया सी वी इह घर नहीं हैगे ते तुसीं दुध पवा लो बाहरों ही, ते अज भी वह जदों दुध पाण आया तां पड़ोसियां ने इही गल कही आ वी हले तां उहदा कल वाला दुध भी इत्थे ही पिआ वी हले आए नहीं हैगे, तां फिर उहनां नूं लग्गिआ वी बाहरों तां कोई ताला लग्गिआ नहीं हैगा वी इह चक्कर की आ, तां जा के महल्ला निवासियां ने चैक कीता। उत्थे इस मामले दे विच
अकाली दल दे सीनियर नेता आर डी शर्मा का की कहना है आओ जानते हैं। दसनयोग है कि इस तो पहला भी नूरपुर बेट के रिटायर्ड ASI कुलदीप सिंह उसकी पत्नी परमजीत कौर और पुत्र गुरविंदर सिंह उर्फ पाली का कतल कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने बाद में इस कतलकांड के दोषी गिरफ्तार कर लिया सी, हुण फिर तीहरे कतलकांड नाल शहर के लोगों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा के गठजोड़ नूं लैके भंबल भूसा बरकरार है। हालांकि दोवें ही पार्टियां दे सीनियर लीडर गठजोड़ दीयां खबरां नूं अफवाहां दस रहे ने, पर अंदर खाते इस गल की चर्चा है कि गठजोड़ दीयां संभावनावां लभियां जा रहियां ने। इस मामले च हुण श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ते साबका विधायक NK शर्मा दा बयान सामने आया है। पत्रकारां दे पुछण ते NK शर्मा ने कहा कि पार्टी दे वड्डे लीडरां ने इस बारे फैसले करने ने, गठजोड़ होवेगा जां नहीं ये रब ही जानदा है। इस दे नाल ही NK शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद बिना पंजाब संभल नहीं सकता, क्योंकि केंद्र तो सूबे नूं आर्थिक मदद की बहुत लोड़ होंदी है। केंद्र सरकार की मदद बिना पंजाब संभल नहीं सकता, क्योंकि केंद्र तो सूबे नूं आर्थिक मदद की जरूरत होंदी है। यह शब्द श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका विधायक NK शर्मा ने कही है। इस तो इलावा चंडीगढ़ विखे पत्रकारा ने जदों BJP नाल गठजोड़ बारे सवाल पूछा तो उन्होंने कहना है कि यह तो रब ही जानता है या फिर पार्टी के वड्डे लीडरां ने फैसला करना है। 2 साल की जी कारगुजारी आ, तुहानू पता ही आ भी पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अमन शांति भाईचारक सांझ साडी सरकार का एजेंडा तो वह टोटल तारो तार हो गया। मतलब अज किसी जी ताकत सिर चक रही, व्यापारी पंजाब कोई सेफ नहीं, फरौतियां मंगिया जा रही, अफसर किसी का काम करके राजी नहीं, करप्शन हदा पार हो गई, इनफ्रास्ट्रक्चर एक किट पंजाब लगी नहीं हैगी। सो श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पार्टी आ, पंजाबियों की पार्टी आ, और हर समय श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब वास्ते कुर्बानियां दईयां। सो अगे भी पंजाब की लड़ाई है जिहड़ी लड़ांगे असीं, सड़कां असीं बनाई, बिजली असीं बनाई, पानी असीं पाए, ट्यूबवैल कनैक्शन मैक्सीमम श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय मिले, 200 यूनिट माफ भी उस टाइम होए, गरीबों के घर बनाए गए, लैटरिंगा बनाई गई, सब कुछ साडी सरकार च होया। सो एक कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हैगा जिहदे ते अज चर्चा हुई। देखो इहदे च तां कोई शक नहीं भी जिह जी हालत, जिस तरह के हालात अज पंजाब सरकार ने क्रिएट करते, पंजाब नूं फाइनैंशली इन्ना खत्म कर दिया, डेट टू GDP रेसो 29 सी, अज 50 ते पहुँच गए। केंद्र सरकारां दे सहयोग नाल पंजाब सौखा जा संभल नहीं सकता जब तक उन्हां नाल फाइनैंशियल मदद ना मिले, ऐड ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना हो। चलो वर्कर भी कुछ चाहते हैं, होर भी चाहते हैं, पर मैं बिल्कुल क्लीयर कर दें भी साडा समझौता BSP नाल गठजोड़ बारे होया नहीं, तो रब ही जानता भी किस लैवल से आ, मीडिया जान कोई, मैं किस तरह कह सकता, इधर पार्टी के लीडरशिप उन्होंने फैसले करने हैं। पर जड़ा देखो पंजाब अमन शांति भाईचार बहाल करने वास्ते पहला भी समझौते रहे, और साढ़े को अल्टरनेटिव असी कांग्रेस नाल तो जा नहीं सकते। श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की लड़ाई है जी, वो पंजाब रह के पंजाबियों वास्ते करती रहेगी। अज की स्ट्रैटजी 117 सीटा से श्रोमणी अकाली दल किस तरह तकड़ा करना, 13 सीटा लोग सभा च किस तरह तकड़ा होना, वो अज की जिक्र कर दी है कि अकाली दल ने सितंबर 2020 खेतीबाड़ी कानून के विरोध में भाजपा नाल गठजोड़ तोड़ लिया। हुण मन्या जा रहा है कि साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की मौत तो बाद भाजपा अकाली दल गठजोड़ लई जमीनी पत्र तैयार कर रहे ने। जलंधर जिमनी चोण दे नतीजा तो यह गल होर भी स्पष्ट हो गई है कि दोवें पार्टियां एक दूजे तो बिना नहीं रह सकतियां। हुण वेखना होवेगा कि आने वाले समय दे विच कि भाजपा अते अकाली दल दा गठजोड़ हुंदा है जां फिर नहीं। हालांकि भाजपा दे सीनियर लीडर तां यही कह रहे ने कि भाजपा दा अकाली दल दे नाल गठजोड़ नहीं होवेगा अते BJP आने वाली लोक सभा चोणां दे विच 13 दियां 13 सीटां इकल्ले लड़ेगी। पर जो चर्चावां मीडिया दे विच चल रही ने उह आने वाले समय दे विच ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। राहुल गांधी की पटीशन रद्द होने ते कांग्रेस नाराज़। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने फूकिया प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। वड़िंग ने कहा देश के लोकतंत्र च अज मंदभागा दिन। पंजाब अंदर टोल प्लाजिया ते जारी है सियासत। वड़िंग ने कहा कांग्रेस की सरकार वेले पंजाब च कोई टोल प्लाजा नहीं लग्या। CM मान नूं कुराली टोल प्लाजा बंद करन दी दित्ती चुनौती। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का वड्डा दावा। बलबीर सिंह ने कहा भाजपा के कई लीडर आम आदमी पार्टी च शामिल होना चाहते हैं, पर
असी पहला उन्हां दी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अते लुधियाना के जनकपुरी इलाके च इक्को परिवार के तीन जिया दिया लाशां मिलण नाल फैली दहशत। घर अंदर फैली सी गैस की बदबू। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। इस दे नाल ही अपने जसवीर नूं दिओ इजाजत। सेहतमंद रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो टीवी पंजाब।